प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के कैंसिल होने के चांसेस बढ़ने की वजह से फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से अभी अपनी सबसे एडवांस सबमरीन को भारत को ऑफर करने का फैसला किया गया है आईडिया फौज की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए लगभग 200 नए ये को सप्लाई करने की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया जा चुका है यूक्रेन से रशिया की तरफ जाने वाले इंडियंस को इवेक्एट करने के लिए भारत की तरफ से अभी सी सेवेंटीन के बदले आई एल सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट को भेजने का फैसला क्यों किया गया और अंत में क्या सच में पाकिस्तानी नेवी की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन नेवी की सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यानी कि एस कलवारी को स्पॉट कर लिया गया है ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट एवोन जैमर और लाइट टैंक्स को लेके। अब सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले साल फ्लोट किए गए लाइट टैंक के टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया गया था जिसे अभी इंडिजिनस तरीके से एक्वायर करने की बात की गई थी इसके बाद आज इसको लेके कुछ और रिपोर्ट भी सामने आया था जिसमे ये बताया गया है की गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इंडियन मिलिट्री के लिए एबोन जैमर्स को और लाइट टैंक को डेवलप करने का मौका देने का फैसला किया गया है और अच्छी बात यह कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसे चार प्रोजेक्ट को मेक वन कैटेगरी के अंदर करने का फैसला किया गया है कैटेगरी का मतलब यह है कि इन प्रोजेक्ट को अभी डेवलप करने में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाएगी जिसमें इसे डेवलप करने वाले कंपनियों को लगभग 10% परसेंट के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा जबकि टोटल कॉस्ट की लगभग 90% परसेंट फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी इन चार प्रोजेक्ट में से पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एब जैमर एब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉर्ट्स और लाइट टैंक शामिल है ये पहली बार है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है क्योंकि नॉर्मली अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग ना करके इनको मेक टू कैटेगरी के अंदर करने का फैसला किया जाता था यानी कि जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको अपने फंडिंग की मदद से प्रोटोटाइप को डेवलप करना पड़ता ले। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें खुद फंडिंग करने का फैसला किया गया जिसमें सबसे पहले तो टाटा ग्रुप को भी एबोन जैमर की कॉन्टेक्ट मिलने की उम्मीद किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा ग्रुप के

इसमें से सीवीआरडी बी की तरफ से डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन मेन टैंक के चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश कर रही है जो कि एक 35 टन क्लास की टैंक होने वाली है और एल की बात करें तो वो अपने तरफ से एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको शायद अभी के नए वजटी गन की चेसिस को बेस करके डेवलप किया जाएगा और इसके लिए जो टरेट को इस्तेमाल किया जाएगा उसको एल की तरफ से आउटसोर्स करने का फैसला किया गया साथ और इसकी आमा के लिए एल की तरफ से स्पेड फाइव स्टील प्लेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट को लेके है। अभी आप इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसी बीच फ्रांस की नेवल ग्रुप की तरफ से इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया गया क्योंकि अभी तक फ्रेंच ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट सेवेंटी के अंदर भारत को ऑफर किए गए इंडियन नेवी को इतना पसंद नहीं आया था लेकिन अभी जैसे कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव टेंडर जो है वो आगे बढ़ने की चांसेस काफी हद तक घट चुके हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए अभी फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से दोबारा इस टेंडर में वापसी करने की कोशिश किया जा रहा है उसके लिए फ्रेंच ग्रुप की तरफ से अपनी सबसे एडवांस सबमरीन को भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है जो की एक फुली इलेक्ट्रिक सबमरीन होने वाली है अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच बैरकुडा क्लास की सबमरीन की डील कैंसिल होने की वजह से फ्रांस इस लॉस को भरपाई करने की कोशिश कर रहा था और ये फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि भारत पहले से ही फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन को ऑपरेट कर रहा है और मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर फ्रेंच नेवल ग्रुप पहले से ही इन सबमरीन को भारत में मैनुफेक्चर कर रहे हैं अभी वो डिफेंस एक्सपो में अपनी एस एम एक्स क्लास की सबमरीन को डिस्प्ले करने की बात सामने आई है जो की फ्रेंच ग्रुप की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन की कॉन्सेप्ट है जो की फुल्ली इलेक्ट्रिक सबमरीन होने वाली है और क्लेम के मुताबिक सबमरीन लगभग 3200 टन क्लास का सबमरीन होने वाला है और ये पानी के अंदर महीनों तक अंडर वाटर कंडीशन में रह सकता है इसमें आई सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इस सबमरीन को बाकी किसी भी सबमरीन के मुकाबले दस गुना बेहतर एफिशियंसी और बेहतर अंडर वाटर सर्वाइबिलिटी देने वाली है फिलहाल ये अभी तक कॉन्सेप्ट ही है लेकिन आगे चल के इसको भारत को ऑफर किया जा सकता है इसके अलावा कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए भी फ्रेंच ग्रुप की तरफ से अभी अपनी एफ ट्वेंटी वन क्लास की टॉपिडो को भी ऑफर किया जा रहा है जो कि क्लास के टॉपिडो है और अभी इंडियन नेवी में ऐसे टॉपिडो की काफी जरूरत है क्योंकि अभी हम पुराने टॉपिडो का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कई सालों से एडवांस हेवीवेट क्लास के टॉपिडो को खरीदने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो सका है लेकिन इस टेंडर के अंदर इंडियन नेवी की पहली पसंद ब्लैक सैक टॉपिडो और उसके साथ एफ ट्वेंटी वन टॉपिडो को इंडियन नेवी की तरफ से खरीदने की कोशिश किया जा रहा था अगला अपडेट यूएवीज को लेके है अब सब देख रहे होंगे कि पिछले दो सालों से भारत के डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स को इंडक्ट करने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अभी हाल ही में ही जब गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस बजट के अंदर एलोकेट किए गए कैपिटल बजट को इंडियन कंपनियों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया गया तो इसके बाद बस एक महीने के अंदर ही हमारी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी आइडिया फौज को एक मैसिव ऑर्डर मिल चुका है जिसमें आइडिया फौज इंडियन आर्मी के लिए अपनी स्विच एवी को सप्लाई करने वाला है पहले भी आइडिया फौज की तरफ से

फौज की तरफ से बताया गया कि इन ड्रोन को आर्मी को ऑफर करने से पहले इनको लगभग दो लाख बीस हजार मिशन में टेस्ट किया जा चुका था और उसके बाद जाके इसको इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया था और अभी इन ड्रोन के लिए ऑर्डर देने से पहले भी आर्मी की तरफ से इनको लद्दाख में टेस्ट किया गया था जिसमे इसकी परफॉर्मेंस आर्मी को काफी पसंद आया था और उसके बाद इसके लिए फाइनल ऑर्डर को प्लेस किया गया था अगला अपडेट ऑपरेशन गंगा को लेके अभी जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है और ये जितना गहरा होता जा रहा है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए सिचुएशन उतना ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि उनको वहां से निकालने में अभी हमको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा अभी एक दिन पहले ही रशिया की तरफ से बताया गया था कि रशियन कंट्रोल में अभी जितने भी यूक्रेन के पार्ट आ चुके थे उन सभी में जितने भी इंडियन मौजूद होंगे उन सभी को रशिया बाहर निकालने में मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर रशिया की तरफ से उनको अपने एकराब में भारत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी अब अभी तक भारत की तरफ से एयर इंडिया इंडिगो जैसे कमर्शियल फ्लाइट के अलावा इंडियन एयरफोर्स अपनी सी सेवेंटी को भी ऑपरेशन गंगा में इन्वॉल्व कर चुका है और ये पोलैंड हंगरी और रोमानिया से इंडियंस को वापस ला रहे हैं लेकिन जब रशिया की तरफ से इंडियंस को इवेक्ट करने के लिए कहा गया था तो जो भी इंडियन अभी यूक्रेन से रशियन सोल्जर्स की मदद से रशिया की तरफ जा रहे हैं उनको लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सी सेवनटीन को भेजने के बदले रशियन ओरिजिन आयल सेवेंटी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस बार भारत की तरफ से पहली बार आयल सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन गंगा में डिप्लॉय किया जा रहा है इससे पहले भी जितने मिशन किए गए थे उन सभी में आयल सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट को कभी पर को करने के लिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आयल सेवेंटी को डिप्लॉय किया गया था लेकिन अभी हालात को देखते हुए सी सेवेंटीन के बदल रशिया में आयल सेवेंटी को भेजने का फैसला किया गया जितने भी इंडियंस को रशिया से भारत वापस लाया जाएगा उन सभी को सी के बदले आयल सेवेंटी से, से भारत लाने की कोशिश की जाएगी अगला अपडेट इंडिया और पाकिस्तान को लेके अब पाकिस्तान की ऑफिसर ट्विटर हैंडल में अभी एक में ये क्लेम किया जा रहा है और पाकिस्तानी डीजीआर के क्लेम के मुताबिक ये सबमरीन इंडियन नेवी की लेटेस्ट कलवरी क्लास का सबमरीन थर्स को पाकिस्तान के डीजी आई मेजर जनरल बाबर इफ्तार ने बताया की उन्होंने फर्स्ट मार्च को इंडियन नेवी की कलवरी क्लास के सबमरीन को पाकिस्तानी वाटर में एंटर करते हुए स्पॉट किया था जिसके बाद इंडियन इंडियन सबमरीन को मजबूरन साइड में वापस लौटना पड़ा था और ये था और भी बताया गया कि पिछले एक साल में पांचवी बार था जब पाकिस्तानी नेवी की तरफ से इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट किया गया था उनका ये कहना था कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी नेवी की काबिलियत क्या है और वो आसानी से इंडियन नेवी के सबमरीन को डिटेक्ट कर सके और सबसे बेहतरीन सबमरीन को भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं अब आप सब अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है तो जरा इस वीडियो को गौर से देखिए इसमें कई लूप हॉल है जैसे कि ऐसे देखकर कर ये बताना पॉसिबल नहीं है कि जो सबमरीन था ये भारत का है या फिर किसी और देश का है या फिर अगर ये भारत का सबमरीन भी है तो ये कलवरी क्लास का सबमरीन या फिर कोई और सबमरीन है अब अगर इसको डिटेक्ट करने पर आए तो यहाँ पर जो सबमरीन का फुटेज पाकिस्तानी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के द्वारा लिया गया था या लिए जाने का दावा किया जा रहा है उसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये सबमरीन लगभग सरफेस कंडीशन में और पानी की सतह के बस थोड़ा सा नीचे सफर कर रहा है इस कंडीशन को नेवल टर्म के हिसाब से स्नॉर्कलिंग कहा जाता है जिसमें टेक्निकली सबमरीन पानी की सतह के ठीक नीचे ही सफर करता है जिस वजह से इसको आसानी से स्पॉट किया जा सकता है अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर इंडियन सबमरीन को पाकिस्तानी वाटर में चुपके से जाना होता तो वो पानी के 100 मीटर या 200 मीटर नीचे जाके आगे बढ़ सकते थे लेकिन ओपनली पानी के ऊपर रहकर आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि क्योंकि इस तरीके से आसानी से कोई भी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है और यहाँ तक की नेकेड आई में भी सबमरीन को डिटेक्ट किया जा सकता है और जब कोई भी सबमरीन पानी के ऊपर होता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो सबमरीन अपनी एक्टिव ड्यूटी में नहीं है और जैसे ही वो पानी के नीचे डाइव करता है तो उसके बाद उनकी सीक्रेट मिशन शुरू हो जाता है जिसके बाद सबमरीन कहाँ जाता है इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है तो जो भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की नेवी के द्वारा इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया गया था तो बात कुछ ऐसी है कि ठंड लगने की वजह से हमारा जरा धूप सेकने के लिए ऊपर आया था और तभी पाकिस्तानी नेवी की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के द्वारा इसका वीडियो बना दिया गया था और फिर उसी फुटेज को दिखाकर इंडियन नेवी की सबमरीन को डिटेक्ट करने का दावा किया जाने लगा तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम